पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी ने 45 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी। गोलीकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र के होली गेट इलाके स्थित चौबिया पाड़े में रहने वाले 45 वर्षीय अमित चतुर्वेदी को उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले नामजद आरोपी मोनू द्वारा घर के दरवाजे पर गोली मार दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। वहीं आनन फानन में घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल का उपचार किया गया। बताया गया है कि घायल अमित चतुर्वेदी और आरोपी मोनू में किसी बात को लेकर पूर्व में विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर आरोपी द्वारा आज गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। सीओ सिटी वरुण कुमार ने बताया कि पूर्व में हुए विवाद के कारण आरोपी द्वारा यह घटना की गई है। बताया गया है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ये देखिए, थाना क्षेत्र कोतवाली में चौकी क्षेत्र होली गेट अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम अमित चतुर्वेदी है, जिसकी उम्र करीब 42 वर्ष है, उसके दाहिने घुटने के ऊपर एक गोली लगने की घटना हुई है। इस संबंध में शीघ्र ही मुकदमा पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया है और जो आरोपी इनके द्वारा नामित किया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही पुलिस द्वारा किया जाएगा। किस तरीके की विवाद बताया जा रहा है या पुरानी घटना बताई जा रही है? ये परिजनों का जैसा कहना है कि इन दोनों लड़कों के बीच में पिछले कुछ दिनों से विवाद चला आ रहा था और हल्की फुल्की आज सुबह इन लोगों में लड़ाई भी हुई थी, लेकिन फिर यहाँ आसपास के लोगों ने उनका समझौता करा दिया था। तब इसमें और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कड़ी कठोर वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जाएगा। आरोपी फरार है? आरोपी की शीघ्र ही गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की